यूट्यूबर कितना कमाते हैं कैसे पता करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूबर कितना पैसा कमाते हैं और हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। किसी भी यूट्यूबर का मतलब हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना पैसा कमाता है मंथली में, और ईयरली में भी चेक कर सकते हैं कितना ईयरली में कमाता है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं उत्कर्ष सिंह किंग और आप देख रहे हैं King0099 टैग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अपने फ़ोन के हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमें सिंपली क्लिक करना है गूगल पे और सर्च करना है सोशल ब्लेड। तो यहाँ पे जैसे हम सोशल ब्लेड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें सिंपली सर्च करना है अपने सोशल ब्लेड के फर्स्ट वाले वेबसाइट पर। फिर यहाँ पे कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर से आपको राइट साइड में थोड़ा जूम करना है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिखा है आपका इंटर यूट्यूब यूजर नेम, मतलब कि यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर का यूजर नेम आप डाल के यहाँ पे उनका डिटेलिंग देख सकते हैं कितना कमाते हैं, कितने सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं टोटल किसी भी यूट्यूबर का नाम, मतलब कि राउंड टू हेल। तो यहाँ पे हम राउंड टू हेल का नाम सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम राउंड टू हेल और इनका वीडियो टोटल 65 वीडियो इन्होंने अपलोड किया है। 20.6 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं और ये एक मंथ में कमाते हैं 14.9 के, मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए 14.9 के डॉलर, मतलब इनका टोटल अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो टोटल 10,80,000 के आसपास इनका हो जाएगा अपने इंडियन रुपीस में, मतलब एक मंथ का इनका, एक मंथ का इतना सैलरी है। जिनमें से इनका मतलब यूट्यूब भी पैसा काटता है, मतलब कि इनका टैक्स वैक्स कटता है, उसे कटते फिरते फिर इनके अकाउंट में आता है। तो यहाँ पूरा डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ये मतलब 20 मिलियन पे कितना कमाए हैं, पूरा डिटेलिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब से। और ये वीडियो आपके केवल नॉलेज के पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर।